विधानसभा चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे जिल्ला में एक तरफ भाजप बेकफूट पर पहुंची रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक पछी एक कार्यक्रमों करीने सरकार ने घेरवा माटे कोई कसर नहीं छोड़ी रही। त्यारे बात करवामां आवे वर्तमान समय की तो कांग्रेस द्वारा सरकार ने घेरवा माटे गौशाला और पांजरापोल द्वारा चाली रहेला आंदोलन ने मुद्दों बनावामां आव्यो छे। आज थरात खाते बनासकांठा जिल्ला की विधानसभा बैठकों कांग्रेस धारासभ्यों द्वारा थरात नायब कलेक्टर ने आवेदनपत्र पाठव्युं हतुं। आवेदनपत्र में कांग्रेस धारासभ्यों एक ज अवाज मांग करी है कि गौशाला और पांजरापोल रखरखाव माटे सरकार द्वारा करवामां आवेली सहायनी जाहेरात तात्कालिक असर थी चुकवणी करवामां आवे। जे अमे बनासकांठा जिला कांग्रेस समिति और थरात तालुका कांग्रेस समिति नेजा हेठ अमरा अहींना धारासभ्य श्री गुलाबसिंहजी भाई और वावना धारासभ्य ज्ञानीबेन और अपना तमाम बनासकांठा कांग्रेस पक्ष धारासभ्यना लेटर जोड़ी अने मान्य डेप्यूटी कलेक्टर श्रीने एक आवेदन पत्र आप्युं छे कि गुजरात की सरकारे गौशाला और पांजरापोल ने निभाव माटे 500 करोड़ की जोगवाई करी थी बजेट में, जे सरकारे वचन आपी अने बजेट में लईने पण आजे पांजरापोळो ने गौशालाओं ने सहाय चूकवामां नथी आवती। लंपीना कारणे अनेक गौ माताना मौत थया छे। आजे गौशाला और पांजरापोळो चलावी खूब मुश्किल बनी गई है। त्यारे आजे पण थराद मुकामे गौशाला संचालकों महात्माओ अने विविध समाज अग्रणीओ अनशन पर बैठा है, जेने अमे आजे समर्थन आपीए छीए अने गुजरात सरकार ने विनंती आपना माध्यम थी करवा मांगीए छीए कि गौशाला और पांजरापोळों ने तात्कालिक सहाय चूकवामां आवे अने लंपी वायरस में जे गौ माताना मौत थया छे तो एनो सर्वे करी अने पशुपालकों ने एनी पण सहाय चूकवामां आवे एवी पण आजना तबक्के अमे आपश्रीना माध्यमथी विनंती करीए छीए। आभार।